फ्री गेम्स आप सभी का स्वागत करता है आज की नई वाली वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट पी में आयरन फार्म कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी ज़ॉम्बी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर जो भी नए है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई सा भी ट्री का लीव्स ले लेना है और उससे 9x9 का एक स्क्वायर बना लेना है। और मेन बात आयरन फार्म की ये है कि आप लोगों को ये आयरन फार्म विलेज से 100 ब्लॉक दूर बनाना है, वरना ये फार्म काम नहीं करेगा। स्क्वायर बनाने के बाद हम लोगों को नीचे 3 ब्लॉक डिग करना है और बीच का जो भी ब्लॉक है उन सभी को भी निकाल देना है। उसके बाद हम लोगों को एक लेयर बाहर की छोड़ देनी है और अंदर के लेयर को माइन कर लेना है। लेयर माइन करने के बाद हम लोगों को और भी नीचे 5 ब्लॉक डिग करना है, और हमें ऊपर वाली जो लेयर हमने पहले माइन की थी उसको नहीं गिनना है और वहाँ से नीचे की ओर 5 ब्लॉक को डिग करना है और बीच का सारा ब्लॉक भी निकाल देना है। अब आगे हम लोगों को जिस तरह से मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ब्लॉक लगाने हैं, दो दो के लगाने हैं, और सेम इसके ऑपोजिट साइड भी हम ऐसे ही दो दो करके ब्लॉक लगा देने हैं। तो ब्लॉक लगाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर बेड लगाने हैं, तो ऐसे करके हमें ऊपर की तरफ बेड लगाने हैं, और ऊपर की तरफ बेड लग जाने के बाद अब हम लोगों को नीचे के दोनों ब्लॉक तोड़ देने हैं और वहाँ पर भी हम लोग बेड लगाने वाले हैं। सेम हमें इसके ऑपोजिट साइड भी करना है, यानी कि आपको टोटल 20 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह आप लोग इजीली से कलेक्ट कर लेना। तो नीचे की तरफ जो हमने ब्लॉक तोड़े थे वहाँ पर भी हम लोगों को बेड लगा देने हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी बेड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि रेड कलर का ही बेड लेना है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी बेड ले सकते हो, और सेम हमें इस साइड भी कर देना है। बेड के लग जाने के बाद अब हम लोगों को 3 ब्लॉक ऊपर आना है और ऊपर से हम लोगों को पूरे के पूरे एरिया को पैक कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर लगाना है फ्लैचिंग टेबल, तो फ्लैचिंग टेबल को यहाँ पर मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को लगा देना है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक ऐसे माइन करने और यहाँ पर लगाने 4 फ्लैचिंग टेबल, और उसके ऑपोजिट साइड भी हमें 4 ब्लॉक को ऐसे माइन करना है और वहाँ पर लगाना है फ्लैचिंग टेबल, और जो दोनों साइड बची है वहाँ पर नीचे की तरफ हमें माइन करना है 4 ब्लॉक और ऊपर की तरफ लगाने हैं 2 ब्लॉक, और यहाँ पर लगाने हमें 6 फ्लैचिंग टेबल, यानी कि टोटल हुए हमारे 20 फ्लैचिंग टेबल। फ्लैचिंग टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और फिर से कह देता हूँ कि फ्लैचिंग टेबल ही यूज़ करना, कोई दूसरा जॉब देने वाला ब्लॉक यूज़ मत करना विलेजर के लिए। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी टॉर्च लगा देनी है ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन होकर विलेजर को मार ना दे, तो यहाँ पर थोड़ी सी टॉर्च लगा देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाने हैं विलेजर, तो मैं तो यहाँ पर क्रिएटिव में हूँ इसलिए विलेजर को स्पॉन करूँगा। अगर आप लोगों को विलेजर लाना है सर्वाइवल में तो आप लोगों को बोट या फिर माइनकार्ट का यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जो नल्ला विलेजर होता है ग्रीन कपड़े वाला, वो और जो बेबी विलेजर होता है उनका यूज़ नहीं करना है, वो खास ध्यान रखना। बेबी विलेजर का बड़ा होने तक वेट कर सकते हो, और नल्ले विलेजर को तो मैं बिल्कुल भी रखना ही नहीं है। तो टोटल आप लोगों को आयरन फार्म के लिए 20 विलेजर चाहिए होंगे, 20 विलेजर को आप लोगों को इसमें फिट कर देना है। और यहाँ पर हम जब तक विलेजर स्पॉन कर रहे हैं तब तक यहाँ पर गोलम भी स्पॉन होने लगे, यानी कि एक फार्म काम तो कर रहा है। तो 20 विलेजर को ट्रैप करने के बाद अब हमें ऊपर से इन लोगों को पैक कर देना है, और अब हमें बनाना है कलेक्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसको ऊपर से पैक कर देते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं कलेक्टिंग सिस्टम। कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए कोने में आ जाने और यहाँ पर 2 ब्लॉक ऐसे माइन कर लेने, और वहाँ पर हमें लगाने हैं डबल चेस्ट, और चेस्ट लगाने के बाद पीछे ऐसे 3 ब्लॉक माइन कर देने, और चेस्ट की तरफ मुंह करके 2 हॉपर चेस्ट के साथ कनेक्ट कर देने और एक कोने में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ चेस्ट के ऊपर ग्लास लगा देना है ताकि हम लोग चेस्ट को ओपन कर सके। और अब हमें लगाना है यहाँ पर लावा का ट्रैप, जो कि लगेगा साइन बोर्ड और लावा से। तो सबसे पहले तो इस आयरन गोलम को साइड कर लेते हैं क्योंकि ये बीच में बहुत परेशान कर रहा है। तो लावा लगाने के लिए हम लोगों को ऊपर से 2 ब्लॉक नीचे साइन बोर्ड एक ऐसे लगाना है, और एक साइन बोर्ड इस तरह से लगाना है मैं जैसा लग रहा हूँ वैसे, और एक साइन बोर्ड नीचे की तरफ लगाना है और बीच में भर देना है हमें लावा। अब यहाँ पर जैसे गोलम आएंगे तो ये लोग जलने लगेंगे। अब उसके ऑपोजिट साइड कोने में हम लोगों को लगाना है 3 ब्लॉक, और वहाँ से हम लोग फ्लो कराएंगे वाटर को। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से 3 ब्लॉक लगा लेने, और ऊपर हमें लगा देना है पानी, और यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कि फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ पर भी कोना है वहाँ पर सभी जगह को पानी लगा देंगे। और सेम इस साइड भी हम लोगों को पूरी लाइन में पानी लगा देना है। अब आप लोग देख सकते हो कि वाटर आयरन गोलम को धक्का देकर लावा में डाल रहा है, और यहाँ पर जाकर आयरन गोलम जल रहा है। तो इसी तरह से ये फार्म वर्क करने वाला है। जैसे ही यहाँ पर 2 गोलम मरेंगे और नए 2 गोलम स्पॉन होंगे, जैसे ही विलेजर डरते हैं यहाँ पर गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कैट भी स्पॉन होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें आप लोगों को स्ट्रिंग भी मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हमारा ये फार्म भी बनकर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आपको एक छोटा सा रास्ता बना देना है आने जाने के लिए।
तो इसी के साथ हमारा फार्म भी फुली वर्क कर रहा है और बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।